अगर दोस्तों आप पेटीएम यूज़ करते हो या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके आप उसे यूज़ कर रहे हो तो ये सब कुछ यूज़ करना आप बंद कर दो, क्योंकि पेटीएम हो चुका है बैन। अब यहाँ पर उससे पहले आप कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको 29 फरवरी 2024 तक टाइम दिया गया है, यह आप सारे काम आप कर सकते हो जो इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, और 29 फरवरी 2024 के बाद में 1 मार्च से आप ये सारे काम नहीं कर पाओगे, ये सारी सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक की आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक तगड़ा एक्शन ले लिया है। अब यहाँ पर इससे पहले भी दोस्तों 2022 में भी ये हो चुका है पेटीएम पेमेंट, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक ने सारे रूल्स को फॉलो नहीं करा तो फिर से इनके ऊपर RBI आ चुकी है। अब यहाँ पर ये सर्विसेज आपको नोट करके रख लेना, इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बेहद ज़्यादा जरूरी है अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत लोग ऐसे हमारे मित्रगण भाई हैं, बहुत गण हमारे दोस्त भाई हैं जिन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को आधार कार्ड से लिंक कर रखा है, DBT की फैसिलिटी जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर ले रहे हैं, तो क्या उन्हें अपने आधार कार्ड को दूसरी बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना चाहिए या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में ही वर्क करेगा, उनका सरकारी पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये भी आपका इस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी हमने आपको बता दें कि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ एक तगड़ा एक्शन ले लिया है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में एक आप नया खाता खोलना चाहते हैं, नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप अब से आप नया अकाउंट इसके अंदर ओपन नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी मिनी KYC कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद में आप पेटीएम पेमेंट बैंक में वीडियो KYC करके ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ये भी नहीं कर सकते हो। यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी प्रकार का कोई भी नया कस्टमर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ना तो जुड़ सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज ए पेटीएम को UPI यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किसी और बैंक में उनका अकाउंट ओपन है, इसमें पेटीएम के अंदर बैंक अकाउंट को ऐड करके UPI से पैसा अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये भी दोस्तों आप नहीं कर पाओगे 29 फरवरी 2024 के बाद में। और यहाँ पर जो भी आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है उसे जल्द से जल्द किसी और बैंक में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, या फिर दोस्तों उसे आप यूज़ अभी कर सकते हैं, अभी मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज भी कर सकते हैं, ये सारी सर्विसेज आप 29 फरवरी 2024 के बाद में आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो पेटीएम के अंदर कोई भी अगर पैसा आपका है भैया तो वो दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए, UPI यूज़ नहीं कर पाओगे, नया खाता खोल नहीं पाओगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पेटीएम ने बैन कर दी गई हैं। हालांकि ये पूरी पेटीएम जो एप्लीकेशन आपको दिखाई देती है ये नहीं बैन होगी, इसकी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको RBI ने बंद करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर 29 फरवरी 2024 का टाइम बाकी है, अभी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में 1 मार्च 2024 से ये सारी सर्विसेज बैन कर दी जाएंगी। दूसरी बात, अगर आपका एज ए DBT आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर फैसिलिटी ले रहे हैं, सरकारी पैसा ले रहे हैं, तो वो भी दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को दूसरी बैंक अकाउंट से लिंक कर दीजिए, इसका भी दोस्तों 1 मार्च 2024 से इसकी भी फैसिलिटी नहीं ले पाएंगी, DBT की भी फैसिलिटी बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IMPS के थ्रू या फिर NFT के थ्रू जो पेमेंट ट्रांसफ़र करते थे या फिर AEPS की सर्विस यूज़ करते थे, आपको पता होगा, ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज भी दोस्तों यहाँ पर बंद कर दी जाएंगी पूर्ण रूप से। यहाँ पर 29 फरवरी 2024 से सारी सर्विसेज भाई बंद कर दी जाएंगी। तो अगर आप ये काम करते हैं, फास्टैग रिचार्ज करते हैं, या फिर आपने अकाउंट ओपन कर रखा, अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर रखा, DBT की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो ये सारा भैया अपना पैसा जो है क्लियर कर लीजिए, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, पेटीएम का भैया कोई भरोसा नहीं रहा है, ये कभी भी बैन हो सकता है। और फाइनली अब यहाँ पर RBI का कोई नया आदेश नहीं आया, आएगा तो हम कमिटी पोस्ट के द्वारा अपडेट करके आपको बता देंगे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो हमने आपको बताया कि पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए और अपनी DBT दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर लिंक कर लीजिए, फास्टैग रिचार्ज करना वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर बंद हो जाएगा 1 मार्च 2024 से, आप कुछ भी यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर वीडियो के अंदर आपको जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।